हेलो फ्रेंड्स, आई एम चंचल भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इनसाइटफुल एजुकेशन। और हम पढ़ रहे थे कोल्ड वॉर एरा के बारे में और इसका हम फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पार्ट तक बना चुके हैं। और आज हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर एंड द एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपने लास्ट पार्ट में पढ़ ही चुके हैं कि यूएसए ने सीटो सेंटो एक दो और नए अलायंसेस बनाए थे, तो उसका जवाब सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना ने दिया अपने रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक के साथ बताकर। लेकिन ये जो उनके क्लोज रिलेशनशिप्स थे, जल्दी ही उनमें क्रैक्स और स्प्लिट्स दिखाई देने लगे। 1950s और 1969 में चाइना क्वारल विद यूएसएसआर, जिसकी वजह से ये जो क्रैक्स और स्प्लिट्स थे दोनों ही अलायंसेस में, किसी एक अलायंस में नहीं, दोनों ही अलायंसेस में बहुत ही जल्दी आ जाते थे। ज्यादा गुटों में आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, जो 1940s और 50s में न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री बन रहे थे, जो ब्रिटेन और फ्रांस से आजाद हो रहे थे, वो अपनी फ्रीडम खोकर इन दोनों गुटों को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, इन दोनों अलायंसेस के साथ नहीं जाना चाहते थे। ना तो कोई वेस्टर्न अलायंस में जुड़ना चाहता था, ना ही कोई ईस्टर्न अलायंस में जुड़ना चाहता था। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि उन्हें नई नई फ्रीडम मिली थी, वो अपनी नई नई फ्रीडम को खोना नहीं चाहते थे। और अगर वो इन दोनों अलायंसेस में जाते तो उन्हें अपनी फ्रीडम भी खोनी पड़ती, उनके जो राइट टू फ्री डिसीजन मेकिंग थी वो भी उनके हाथ से चली जाती, और वो अपने कंट्री के डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू हुआ, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये कि बहुत सारे कंट्रीज जो थे, वो तो हमने पढ़ लिया कि वो दोनों अलायंसेस को ज्वाइन क्यों करते थे, लेकिन ये जो बड़े बड़े कंट्री, बड़े बड़े सुपर पावर्स हैं, ये छोटे छोटे स्टेट्स के साथ क्यों मिलना चाहते थे, जबकि उनके पास इतनी सुपर पावर्स थी कि मतलब उनके पास इतने ज्यादा अपने वेपन्स थे, न्यूक्लियर वेपन्स थे, वो इतने रिच कंट्रीज थे, रिच अलायंसेस थे, तो उन्हें किसी और कंट्री की स्मॉल स्टेट्स की जरूरत क्यों पड़ती थी। तो चलिए जानते हैं कि उन्हें इतने सारे स्मॉलर स्टेट्स को अपने साथ जोड़ना क्यों पड़ा। तो सुपर पावर्स छोटे छोटे स्टेट्स के साथ क्यों अलायंसेस बनाते थे, छोटे छोटे कंट्रीज के साथ क्यों अलायंसेस बनाते थे, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से वो स्मॉलर कंट्रीज के साथ अपने आप को जोड़ते थे या स्मॉल कंट्रीज को अपने ग्रुप के साथ जोड़ते थे। तो कौन से रीजंस हैं? सबसे पहले उनके वाइटल रिसोर्सेज वो यूज कर सकते थे, जैसे कि ऑयल एंड मिनरल्स। जिस भी कंट्री को वो अपने साथ जोड़ेंगे, वहां के जो भी रिसोर्सेज होंगे वो वहां के रिसोर्सेज यूज कर पाएंगे, इस वजह से वो छोटे छोटे अलाइज को अपने साथ जोड़ते थे। देन टेरिटरीज, वहां के टेरिटरीज, वहां का एरिया वो यूज कर सकते थे अपने वेपन्स और ट्रूप्स लॉन्च करने के लिए। जैसे कि हमने क्यूबा वाला पढ़ा था कि क्यूबा में यूएसएसआर ने अपने वॉरशिप्स भेजे थे, क्यों भेजे थे, यूएसए पर नजर रखने के लिए, उन पर अगर जरूरत पड़े तो वहां पर अटैक भी किया जा सके। तो सिमिलरली यहां भी वो इसी रीजन की बात कर रहे हैं कि टेरिटरीज ऐसी जहां से वो अपने वेपन्स और ट्रूप्स लॉन्च कर सके, सामने वाले कंट्री पे अटैक अगर करना पड़ा तो। देन लोकेशंस क्या, जिससे कि वो दूसरे अपने राइवल ग्रुप पर नजर रख सके, वहां से वो स्पाई कर सके एक दूसरे पर। देन इकोनॉमिक सपोर्ट, अब इकोनॉमिक सपोर्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि जब ये छोटे छोटे अलाइज वो बनाते थे, छोटे छोटे कंट्रीज को अपने साथ जोड़ते थे, तो उसका मतलब ये भी होता था कि उन कंट्रीज को एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको देना पड़ेगा, बिगेस्ट सुपर पावर को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि उनके मिलिट्री एक्सपेंसेस के लिए वो लेते थे उनसे, जैसे कि नाटो, नाटो में सारे जो उसके मेंबर कंट्रीज है उसके लिए एक्सपेंसेस पे करेंगे, उसके मिलिट्री वेपन्स वगैरह के लिए जो भी वहां चीजें लगेंगी उसके लिए। तो वैसे ही वो मिलिट्री एक्सपेंसेस के लिए स्मॉल अलाइज जो थे वो पे करते थे या हेल्प करते थे। अब जो अलाइज हैं, मींस जो उनके छोटे छोटे मेंबर कंट्रीज हैं, वो और भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं एक और रीजन से। वो क्या रीजन था कि आइडियोलॉजिकल वॉर जो दोनों ग्रुप्स थे वो जीत रहे थे, जिसके साथ ज्यादा अलाइज हैं और जिसका ग्रुप ज्यादा ग्रो कर रहा है,
मतलब उसकी आइडियोलॉजीज भी जीत रही हैं। जैसे कि अगर ईस्टर्न अलायंस की बात करें तो ईस्टर्न अलायंस में यूएसएसआर की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म आगे अगर बढ़ रही है, बेटर है, तो वहां पर अलायंस ज्यादा होंगे। अगर कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म ज्यादा है तो वहां पर अलायंस वहां ज्यादा होंगे। तो एक दूसरे की आइडियोलॉजीज भी एक दूसरे से बढ़कर दिखाने के लिए ये जो आपके थे अलाइज थे, ये इम्पोर्टेंट थे कि जिसके साथ भी वो जुड़ेंगे उसकी आइडियोलॉजी को बेटर माना जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि वो जो वॉर ऑफ आइडिया है, आइडियाज के जो वॉर है, वो भी जीत रहे हैं वो ग्रुप्स। तो ये रीजन थे जिसकी वजह से सुपर पावर्स दूसरे छोटे मेंबर्स कंट्रीज को अपने साथ जोड़ते थे। तो एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर क्या है? एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर जहां पर वॉर होते होते बस कुछ चीजों से बच गया, जैसे कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस तक हुए, आमने सामने आर्मीज तक आ गई थी, कुछ भी पार्टीज बैक डाउन होने के लिए तैयार नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टीज दोनों ही ट्रूप्स की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करके, चाहे वो डिप्लोमेटिक टॉक्स हो, चाहे वो बाकी लीडर्स की हेल्प हो, वॉर जो था वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं गया, कोल्ड वॉर ही रह गया। हालांकि कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा लोगों की जाने गई क्योंकि यहां पर बड़े टाइम तक, लंबे टाइम तक क्राइसिस चले थे, लेकिन फिर भी ये वॉर की तरफ नहीं मुड़ा, ये जो कोल्ड वॉर था कोल्ड वॉर ही रह गया। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू, नैम के लीडर्स, बाकी लीडर्स और यूएस के सेक्रेटरी, यूएन के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने बहुत हेल्प की, लेकिन दोनों ही ग्रुप्स की, दोनों ही अलायंसेस की समझदारी पर निर्भर था कि उन्होंने कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर ही रहने दिया, एक न्यूक्लियर वॉर या थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं बनने दिया। तो कौन कौन सी जगह थी जहां पर क्राइसिस बहुत ही ग्रेव हो गए थे, बहुत ही सिचुएशन एकदम वर्ल्ड वॉर के लिए थ्रेटनिंग हो गई थी, तो वो देख लेते हैं। कौन कौन से थे? कोरिया में, बर्लिन में, कोंगो में, अफगानिस्तान एंड वियतनाम, ये पांच जगह, और भी कई सारे क्राइसिस है जिसके बारे, क्यूबा में हम पढ़ ही चुके हैं पहले, तो ये क्राइसिस और हैं जिनमें कोल्ड वॉर जो था वॉर होने से बच गया, जहां पर सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, वर्सन हो गई थी, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर शायद एक वॉर में तब्दील हो जाता, शायद एक न्यूक्लियर वॉर बन जाता और पूरे वर्ल्ड को इसका जो था नुकसान, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें थी जिससे ये वॉर की तरफ क्यों नहीं गया, दोनों ही ट्रूप्स क्यों वॉर नहीं कर पाए, सिर्फ ये कोल्ड वॉर एक कोल्ड वॉर ही रह गया। तो ऐसा माना जाता है कि कोल्ड वॉर ने हथियारों की होड को और हथियारों पर रोक को, दोनों को ही जन्म दिया, मींस आर्म रेस एंड आर्म्स कंट्रोल, दोनों को ही कोल्ड वॉर की वजह से ये दोनों सिचुएशन अराइज हुई। वो कैसे? अब आर्म रेस कैसे हुई? दोनों ही जो ग्रुप्स थे वो ये मान रहे थे कि दूसरे कंट्री के पास, अगर दूसरा कंट्री अटैक कर देता है तो हमारे पास इनफ वेपन्स होने चाहिए उसका जवाब देने के लिए, तो वो उसकी वजह से वो स्टॉक ऑफ पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ वेपन वो लगाते चले गए, वो ढेर करते चले गए अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स का, आर्म्स का, बहुत सारे और चीजों का, जिसकी वजह से दोनों ही ग्रुप्स के बीच में एक आर्म रेस लग गई। और फिर उस आर्म रेस को रोकने के लिए जब उन्हें समझ आया कि जो आर्म रेस है वो कहीं ना कहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा असरदार हो सकते हैं, वो भी बुरे वाले, तो जिसकी वजह से उन्होंने आर्म्स कंट्रोल का सोचा। तो चलिए इस पर एक नजर डाल लेते हैं कि क्या हुआ था। तो ह्यूज स्टॉक्स ऑफ आर्म्स वर कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रिवेंट वॉर्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस। तो ऐसा माना जा रहा था कि जितने ज्यादा हथियार जिसके पास होंगे उससे सामने वाले अलायंस को ये डर लगेगा कि अगर हमने अटैक किया तो उनके पास बहुत सारे हथियार है और उसका जवाब भी आएगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये वॉर को रोकने के लिए माना जा रहा था कि जितने ज्यादा आप आर्म्स कलेक्ट करेंगे, जितने ज्यादा आप वेपन्स जोड़ेंगे, उतना ही आप वॉर को रोकने में कामयाब रहेंगे। लेकिन हुआ क्या कि
इनकी वजह से कुछ ऐसी सिचुएशन भी दोनों अलायंसेस को समझ में आ रही थी कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो फिर कोई भी वॉर रोकने से नहीं कोई भी वॉर को नहीं रोक पाएगा. तो वो कौन सी सिचुएशन थी कि ईदर साइड कैन मिसकैलकुलेट द नंबर ऑफ वेपन्स इन द पोजीशन ऑफ अदर साइड. मतलब कोई भी एक साइड दूसरे साइड के पोजेशन में, दूसरे साइड के अधिकार में जितने भी वेपन्स हैं उनको मिसकैलकुलेट कर सकता है और हो सकता है इस मिसकैलकुलेशन की वजह से दोनों में गलत फहमियां हो जाए और एक दूसरे पर अटैक की सिचुएशन आ जाए. और दूसरी क्या सिचुएशन हो सकती थी कि ड्यू टू द फियर ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी हो सकता था. जैसे कि कोई भी ऐसा माना जा रहा था कि अगर किसी भी सोल्जर ने एक गलती से कोई वेपन लॉन्च कर दिया उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसकी गलती को गलती नहीं समझा जाएगा क्योंकि सामने वाला अलायंस तो यही मानेगा कि उन्होंने, मतलब उनके राइवल अलायंस ने उन पर जानबूझकर हथियार छोड़े हैं, हथियार दागे हैं. अगर मेरे ऊपर कोई गलती से मेरी किसी से राइवलरी है और वो उनसे कोई गलती हो जाती है जो कि मुझे नुकसान दे, तो मैं तो यही मानूंगी कि उन्होंने जानबूझकर किया है. तो सेम सिचुएशन कोल्ड वॉर में भी जाती है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे दोनों ही कंट्रीज के पास इतने वेपन्स थे, इतने न्यूक्लियर वेपन्स थे कि अगर कोई सोल्जर बाय मिस्टेक एक भी वेपन लॉन्च कर देता तो दूसरी कंट्री उसकी इंटेंशन नहीं समझ पाती कि वो गलती से हुआ है और सामने से रिटेलिएशन होता और बहुत ही ज्यादा बुरा वाला, बहुत ज्यादा वॉर, बड़ा वॉर हो जाता, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी हो सकता था और सामने वाले जो अदर साइड थी उनकी इंटेंशन को नहीं समझ पाती और वॉर हो जाता. जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूएसए एंड यूएसएसआर ने डिसाइड किया कि वो अब हमारे इन्होंने जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स कलेक्ट किए हैं उन्हें या तो रोक लगाएंगी या फिर उन्हें नष्ट कर देंगी, मींस एलिमिनेट करेंगी या तो इनके यूज को लिमिट करेंगी. तो वो कैसे करेंगे, उन्होंने देखा कि न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट करने के लिए मींस एक आर्म कंट्रोल होगा. आर्म कंट्रोल के थ्रू उन्होंने सोचा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करेंगे, लिमिट करेंगे उनके यूज को. उनके पहले तो उनका यूज करेंगे ही नहीं और अगर करेंगे तो बहुत लिमिटेड, वो भी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, ना कि एक दूसरे पर अटैक के लिए. और दूसरा कि उनके ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स जो ज्यादा ही खतरनाक है उन्हें एलिमिनेट भी किया जाएगा. तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी ट्रीटीज साइन की जो हम पढ़ लेते हैं. चलिए, तो दोनों ही ग्रुप्स ने आर्म्स कंट्रोल करने के लिए किया क्या था, उन्होंने बहुत सारी ट्रीटीज साइन की थी. तो वो कौन सी ट्रीटीज थी, वो ये ट्रीटीज थी, LTVT, NPT, ABMT और सॉल्ट, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, ये भी थी जो आपके चैप्टर के एंड में है, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे. तो पहले चलिए ये जान लेते हैं. तो कौन कौन सी ट्रीटीज थी, LTVT, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी. अब लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी आपकी साइन हुई 10 अक्टूबर 1963 को यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच. और उसमें, इस ट्रीटी में उन्होंने ये डिसाइड किया कि ऐसे सर्फेसिस पर जो कि ओपन है या अंडर वाटर है या फिर एनवायरमेंट को पल्यूट करते हैं, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे, वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए जाएंगे. तो इस ट्रीटी में वो बात डिस्कस की गई थी. देन NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. इसमें क्या हुआ था कि ये थोड़ा शुरुआत में मानी गई थी कि ये बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटिंग है. क्यों, क्योंकि इसने ये उन्होंने ये शर्तें रखी थी कि जिनके पास, जिन स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो तो उन्हें एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो नए स्टेट्स हैं जिनको न्यूक्लियर स्टेट बनना है, न्यूक्लियर कंट्री बनना है, वो अब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते और ना ही उनको यूज कर सकते हैं. और अगर यूज भी करना है, जिनके पास है ऑलरेडी, अगर उन्हें यूज करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीसफुल एनर्जी मेकिंग के लिए इनको यूज करेंगे. तो इसको शुरुआत में डिस्क्रिमिनेटिंग माना गया था, लेकिन बाद में ये भी ट्रीटी साइन कर ली गई थी. देन ABMT, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी. एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं जो सरफेस टू एयर मिसाइल होती हैं. तो वो मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स को ड्रॉप करने के लिए, जहां भी अगर आपको अटैक करना हो. तो ये ट्रीटी इसीलिए साइन की गई थी कि ऐसे अब
और ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को ड्रॉप करने के लिए ऐसी मिसाइल्स का यूज नहीं होगा। तो ये ट्रीटीज इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको आई थिंक आई होप जानना चाहिए था, तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हमारे आगे के टॉपिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और इसके नोट्स हम आपको अपने कमेंट बॉक्स में दे देंगे। थैंक यू सो मच।